हेलो दोस्तों, आज मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है जीनेस कंपनी का 12 वोल्ट का ये इन्वर्टर। दोस्तों, इस इन्वर्टर का कंट्रोल कार्ड ख़राब था, वो मैंने चेंज किया है। लेकिन कंट्रोल कार्ड चेंज करने के बाद इसमें ये समस्या आ रही है कि ये चार्जिंग बहुत कम एम्पियर कर रहा है। हो सकता है जो इसका पुराना कार्ड था जो मैंने निकाला है उसमें और इस कार्ड में कुछ रेजिस्टेंस का अंतर हो सकता है, जिसकी वजह से ये केवल 8 से 10 एम्पीयर तक चार्जिंग कर रहा है। दोस्तों, इन्वर्टर ऑन है और 266 वोल्ट ये आउटपुट निकाल रहा है, लेकिन लोड डालने के बाद आउटपुट वोल्टेज 210 के करीब रह रहा है। लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि लोड डालने के बाद वोल्टेज ठीक हो जाते हैं। अब वो मेन का प्लग लगा के मैं आपको चार्जिंग चेक कराता हूँ। दोस्तों, ये इन्वर्टर जो आउटपुट वोल्टेज मीटर में ज़्यादा दिखा रहा है उसे ठीक करना है, तब आप जो आउटपुट के सॉकेट पे पीएफ लगा होता है उस पीएफ को चेंज कर सकते हैं। मेन और चार्जिंग आ चुकी है, अब मीटर में देख लेते हैं। दोस्तों, ये वोल्ट मीटर है, 13 वोल्ट बैटरी के हैं और 6.6 एम्पीयर ये चार्जिंग के दिखा रहा है। डिजिटल मीटर है ये दोस्तों, इसलिए ये कम एम्पीयर दिखाता है। लेकिन अगर सुई वाले मीटर में आप चेक करेंगे तब ये 8 से 10 एम्पीयर तक चार्जिंग दिखाएगा। ये स्विच नॉर्मल पे है और ये दूसरा स्विच है वो हाई चार्जिंग पे है। हाई चार्जिंग पे दोस्तों इतने एम्पीयर ये दिखा रहा है। अब दोस्तों नॉर्मल चार्जिंग पे देख लेते हैं, तो नॉर्मल चार्जिंग पे 5 एम्पीयर ये मीटर दिखा रहा है। दोस्तों, आपके सामने भी इस तरीके की समस्या आती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। अब वो मेन का प्लग को निकाल देते हैं और इन्वर्टर को बंद कर देते हैं। दोस्तों, जो माइनस की वायर किट पर लगती है उसी के पास एक रेजिस्टेंस होती है 1 ohm 2 watt की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। इसमें दोस्तों एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और जिस कार्ड से मैंने कंट्रोल कार्ड निकाला था उस कार्ड में 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कार्ड है जिसके अंदर से मैंने कंट्रोल कार्ड निकाल के डाला था, तो इसमें आप देख सकते हैं 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और जिसमें हमने डाला था उसमें केवल 1 रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये वो कंट्रोल कार्ड है जो मैंने इस इन्वर्टर से निकाला था। तो दोस्तों, इस कार्ड में और जो मैंने डाला है उस कार्ड में कुछ रेजिस्टेंसों का अंतर हो सकता है, लेकिन हमें अब कंट्रोल कार्ड में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें उस कार्ड में 2 रेजिस्टेंस कर देनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक और रेजिस्टेंस इसमें डाल दिया। अब चेक कर लेते हैं कि कितने एम्पीयर चार्जिंग ये कर रहा है। स्विच को मैंने नॉर्मल चार्जिंग पर कर दिया है, देख सकते हैं। चार्जिंग आ चुकी है, अब मीटर में देख लेते हैं। दोस्तों, 9 एम्पीयर ये मीटर दिखा रहा है। अगर सुई वाले मीटर में आप चेक करोगे तो 15 से 16 एम्पीयर दिखाएगा। अब हाई चार्जिंग पर करके देख लेते हैं। हाई चार्जिंग पर 12 एम्पीयर मीटर दिखा रहा है। अगर सुई वाले में आप देखेंगे तो 18 एम्पीयर तक दिखाएगा। तो दोस्तों, इन्वर्टर ठीक हो चुका है। कभी कभी दोस्तों इसी तरीके की छोटी छोटी समस्याएँ सामने आती हैं, तो दोस्तों आप भी इस तरीके से चार्जिंग एम्पीयर को बढ़ा सकते हैं।